को क्रिटिसाइज करना अपना बर्थ राइट क्यों समझते हैं? चलते हमेशा आदमी उसको क्रिटिसाइज करता है कि जैसा वो बन नहीं सकता, नहीं तो ये कारण इंस्पिरेशन भी हो सकता है। एक बात है, जो माँ बाप क्रिटिसाइज करते हैं वो अलग कैटेगरी है और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं अलग कैटेगरी है। अगर मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं है और किसी और को गर्लफ्रेंड है तो मैं बोलने वाला हूँ ये सब बहुत बेकार है, छिछोरापन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और मेरे को मौका मिले तो मैं छोड़ने वाला हूँ क्या? नहीं। तो जो मैं नहीं कर सकता हूँ और जो लोग मजे ले रहे हैं वो बेचैनी होती है उसकी, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। सर हमें लगता है कि अगर मैं गलत हूँ तो सही वो भी कैसे हो सकता है, इसलिए उसकी गलती ढूंढते हैं। हाँ, और हर आदमी को मालूम है, ये सोसाइटी की देन है, हर आदमी को मालूम है कि वो गलत है, तो लगता है दूसरे भी गलत है, मैं अकेला थोड़ी गलत हूँ, तो सबको अपनी बरादरी में लेना चाहता है, तो उसकी गलतियाँ ढूंढता है। अभी आदमी तभी क्रिटिसाइज करता है जो दूसरा आदमी अपने से कुछ अलग करता है। जो मैं कर रहा हूँ वही अगर तुम कर रहे हो तो क्रिटिसाइज करने की बात ही नहीं है, क्योंकि फिर तो हम दो भाई भाई। मगर तुम कुछ अलग करते हो जो मैं नहीं कर सकता, तो लगता है कि ये इतना कैसे सक्सेसफुल रहा है, इसकी कोई तो गलती ढूंढो, इसकी कोई तो गलती निकालो, क्योंकि मैं वैसा नहीं बन पाया, तो मैं आपकी गलतियाँ देखता हूँ। जैसे कोई आदमी पैसा ज़्यादा कमाता है तो पहला ख्याल आता है कुछ गलत काम किया होगा, क्योंकि मैं तो पैसा नहीं कमा पाया, और मेरे को लगता है मैं बहुत सही सी ऑनेस्ट आदमी इसलिए पैसा नहीं कमाया, जबकि झूठ है। ऑनेस्टी का पैसे को लेने देना नहीं है, पैसा कमाया जाता है कि तुम लोगों को कितना फ़ायदा देते हो। अब वो आदमी लोगों को ज़्यादा फायदा दे रहा है इसलिए पैसा कमा रहा है, मगर अपनी क्या सोच है कि पैसा कमाया है इसका मतलब कोई दो नंबर का काम कर रहा है। हर आदमी को इल्यूजन है कि मैं दूसरे से अच्छा कर सकता हूँ, मगर तुमको जो काम दिया है वही तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुमको इससे अच्छा काम दे कोई देगा कौन? मेरे पास एक स्टाफ थी जो एकदम इनइफिशिएंट स्टाफ थी, और एक सलमा नाम की लड़की थी जो बहुत अच्छा काम करती थी, वो हमेशा बोलती वो तो क्या खाली टाइपिंग करती ना, मैं भी टाइपिंग कर सकती हूँ। फिर दूसरी एक लड़की थी बोलती वो क्या करती, आपके साथ खाली बैठ के मीटिंग करती ना, मैं भी आपके साथ बैठ के मीटिंग कर सकती हूँ। जबकि मेरे को मालूम है मैं इनको क्यों बिठाता था, ये लोग ज़्यादा वैल्यूएबल थी, ये लोग ज़्यादा काम करते थे, पर वो कुछ काम नहीं कर सकती तो इनकी गलतियाँ देखती थी वो।